हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शौर्य भारत ऑफिसर्स हब यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद एंड जय हिंद एंड वेलकम टू आर स्पेशल क्लास। किसके लिए हमने शुरुआत करी है? MNS नर्सिंग भर्ती के लिए। और इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्शन आ रहे हैं। नो डाउट आप लोगों ने मैथ्स रीजनिंग की जो तैयारी है उसको शुरुआत कर दी है। आइए हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, कैसी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। वॉइस इज ऑल ओके और नॉट? ठीक है, ऑल गुड। चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारी इंग्लिश की इस क्लास को। और इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? नो डाउट आप बाकी चीज़ें पढ़ाई करते हो, बाकी आपने तैयारी करी होगी, बहुत ज़्यादा साइंस तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं अनडाउटेडली। जैसा भी को ध्यान में है कि आप लोग साइंस वेरी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, और इंग्लिश अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इंग्लिश के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को जानना है, पेपर पैटर्न किस तरह का रह रहा है आपका, ठीक है ना, आपको क्या क्या चीज़ें को तैयारी करनी है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में जो सबसे पहले शुरुआत होती है जिस टॉपिक की, वो टॉपिक तो हमें लेना ही लेना है, उसकी शुरुआत तो हमें करनी करनी है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या ज़रूरी होता है उसको भी हम यहाँ पर अभी जान लेंगे। तो MNS सिलेबस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना, MNS सिलेबस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? कंसिस्ट टॉपिक्स फ्रॉम ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का आएगा। किसका है? ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आएगी उसके हम जान लेते हैं। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे ग्रामर। नाउ ऑल ओके, सम टेक्निकल इश्यूज वर देयर, गॉट इट, ओके। चलो शुरू शुरू चल रही है। हाँ बेटा, हाँ विशाल, हाय बेटा, वेलकम टू अ क्लास, वेलकम टू दिस क्लास। अग्निवीर की चेंज हुई है अभी, सेना ने प्रस्ताव भेजा, अभी हुई नहीं है, प्रस्ताव भेजा गया है, आएगी, डिटेल्स आ जाएगी आपके बारे में, सब आ जाएगी, ठीक है ना। कौन कौन टेक्निकल को लेकर भी कुछ बातें आई है, सेना ने कुछ प्रस्ताव भी भेजा है कि थोड़ा रिक्रूटमेंट को बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी अपने इस पर ऑफिसर्स हब पे भी मिलेगी, नो डाउट डिफेंस योद्धा चैनल है उस पर भी मिल जाएगी आपको। तो चिंता की बात नहीं, बस जुड़े रहना अपने साथ में, और बाकी डिटेल्स तो हैं। एंड आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? तो विशाल प्लीज़ है ना गिव अ थम्स अप कि यस सर आई एम ऑल्सो देयर, एंड ये चीज़ें हैं तो थोड़ा पता तो लगे एटलीस्ट, है ना, हु इज देयर इन माय क्लास एंड व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। हम लोग किसके बारे में जान रहे थे? हम लोग जान रहे थे हमारे टॉपिक से पहले, है ना, उन टॉपिक्स के बारे में जिस पे हमारा पूरा ये आधार ढांचा टिका हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आप लोगों ने बड़ी सारी तैयारी करी है, मेहनत करी है, मुझे ध्यान है इतना, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम साइंस के साथ बिताया, अंग्रेजी को इंग्लिश को तो आप एक तरफ से भूल चुके होंगे, लेकिन पुरानी बातें वापस याद करवाई जाएंगी, बिल्कुल करनी भी पड़ेगी, तभी हम लोग ये चीज़ को पार पा सकते हैं, इस एग्जाम को पार पा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? तो सिनोनिम एंटोनिम्स यानी कि जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जिनको बोला जाता है नॉर्मल अपनी आम भाषा के अंदर, तो उनके बारे में जानना है। थोड़ा सा लेवल हाई रखिएगा, है ना, वर्ड्स को लेकर। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान आसान से आपने पढ़ लिए, थोड़ा सा लेवल आपको अप करना पड़ेगा, ग्रेड करना पड़ेगा, और उसकी जो लेवल है उसको भी हम बढ़ाकर आपको सिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये सर थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट आ रहा है, हाउ वुड वी अंडरस्टैंड, है ना। तो डोंट टेक टेंशन, वी आर देयर फॉर यू, हम लोग करेंगे, बिल्कुल तैयारी करवाएंगे आपकी कि वो कैप पार्ट को कैसे करना है, कैसे वर्ड्स को, है ना, उनकी मीनिंग्स को, उनके एंटोनिम्स को याद रखना है। तो डोंट है ना टेक टेंशन, बिल्कुल टेंशन ही लेनी है। ईडियम फ्रेजेस, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें जो अक्सर आती हैं, ठीक है ना, तो वो किस तरह से आएगी वो पढ़ना है, वो जानेंगे हम लोग। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट होता है वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ना उसको स्किल्स को देखता है। ये एक तरह से फिलिप्स के तौर पे आता है, एक पैसेज होगा फिलिप्स होगा और आपको देखना पड़ेगा उसमें फिलिप के तौर पे आपको उसको फिल किन किन वर्ड से करना है, मिसिंग जो वर्ड्स होंगे उनको जगह पे प्लेस करना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सेंटेंस वर्ड्स इंप्रूवमेंट्स होता है, कैसे इंप्रूव करना है, कई मिसस्पेल्ड होते हैं वर्ड्स उनको इंप्रूवमेंट देखना है। डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, है ना, स्पेलिंग एरर्स होती है बहुत सारे, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि अरे यार सिमिलर लग रहा है, तो इट नीड्स मोर प्रैक्टिस, है ना। तो इससे प्रैक्टिस से ज़्यादा चीज़ें हम इसको कवर कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, जंबल सेंटेंस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्कैटर्ड हो जाता है, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के वो आगे पीछे लिखे हुए होते हैं, हमको उनको एक फॉर्मेट में प्रॉपरली करके तैयारी करके रखना पड़ता है, करना होता है। और अब मोस्टली जो हम देखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसमें तो ये एक बहुत बेसिक जरूरत की एक बात हो चुकी है कि ये जंबल सेंटेंस तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, रीशफलिंग होगा अभी, चाहे आप कोई भी दूसरा भी तरह का एग्जाम दोगे तो जंबल सेंटेंस इज देयर, ठीक है ना, रीशफलिंग हो गया, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज हो गया, तो वो हमें देखना है।
गॉट इट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिमिलर मीनिंग वाले भी शब्द आते हैं, और कई बार आता है कि बहुत से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे करना है, क्या बोलेंगे, जो जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड है, तो क्या होगा, क्या होगा, एथीस्ट बोलते हैं, बिलीव इन गॉड थीस्ट होगा, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वो आएंगे, यू हैव टू नो क्या बोलते हैं, थोड़ा लेवल अपना हाई रखिएगा, 6-7 के बच्चे की पढ़ाई तो हो नहीं रही है जो आप सोचोगे ठीक है पढ़ लिया निकाल दिया, नो है ना, हाँ अपग्रेड योर लेवल, दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वो तो बहुत ज़रूरी है आपके रीडिंग स्किल्स को देखने के लिए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ रहा है, आई थिंक जिसको पैसेज करना आता है उसको तो नंबर बटोरने की कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई कोई जहमत उठानी नहीं पड़ती, आपने ढंग से पढ़ा समझा एंड अप्लाई करा एंड यू विल फेच द मार्क्स प्रॉपरली, है ना। हाँ फिल इन द ब्लैंक्स इज मोर रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट होने जा, काफ़ी हद तक उस जैसे ही होता है, ठीक है ना, काफ़ी सारे आपको वर्ब्स के हो गए ना, नाउन के हो गए, कई सारी चीज़ें ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जिसको आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो वो बारे उस बारे में देखा जाएगा। स्पेलिंग्स आ गए, स्पेलिंग्स हम लोगों ने देख लिया, डिटेक्टिंग स्पेलिंग्स एक जैसे है, जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स आ गए, जैसे हमने जम्बल्ड सेंटेंसेस को देखा उस तरह से वर्ड्स का भी हो गया, उलटफेर हो जाएगा, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड है ना ग्रुप, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वी हैव डन। स्पॉट दी एरर जो वाला बात आता है ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पॉटिंग एरर के अंदर स्पेशली चीज़ों का क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर ग्रामर पोर्शन ज़्यादा ध्यान रहेगा। ग्रामर पोर्शन में क्या रहेगा, पहले यू हैव टू नो अबाउट दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले आपको पहले अच्छे से जानकारी होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती है, एज यूजुअल यू नो आपने पढ़ रखा है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा ब्रशअप करना, थोड़ा सा याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एल्स यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट, सो वी आर मेकिंग वी आर हेल्पिंग यू टू रिमेंबर दैट, तो हम हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो क्या कर रहे हैं, तो फॉर दिस यू हैव टू लर्न, यू हैव टू है ना लर्न द रूल्स ऑफ विच पार्ट, नाउन याद करना, प्रोनाउन याद करना, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ठीक है ना, ये हो जाता है, उसके बाद आता है आर्टिकल्स आ जाता है, गॉट इट, और कई सारे और छोटे मोटे टॉपिक आ जाते हैं जो इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम साथ साथ में कवर करेंगे, जो हमारे स्पॉटिंग द एरर को करने के लिए काम आता है। तो स्पॉटिंग द एरर की शुरुआत में हम नाउन से करना शुरू करेंगे, एज यूजुअल नाउन ना जानेंगे तो कैसे होगा, आप मुझे नहीं जानेंगे, मैं आपको नहीं जानूंगा, तो फिर हमारी गाड़ी कैसे चलेगी। तो हम जब जानते हैं शब्द को है ना, चीज को, जगह को, भावना को, क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नाउन, वही नाउन है, वही चीजें हैं, ठीक है ना, उससे अपार्ट तो और कोई चीज हो नहीं सकती, तो ये चीज जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात और जानना है, जो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सारी कहानी हमारी किस पे आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर आ जाती है, ये एक बात को ध्यान रख लो, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उससे पहले पहले, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में प्लीज जानो, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्या बात हो जाती है, इफ़ यू नो द सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ना, कोई एक वचन में है, तो आगे वर्ब भी जो लगेगी ना, जो हेल्पिंग वर्ब अगर जो उस तरह की आएगी, वो भी किस में आनी चाहिए, वो भी लगनी चाहिए आपकी किसके अंदर, सिंगुलर लगनी चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे देन ओनली यू आर एबल टू डू योर बेस्ट, है ना, तब अपना बेस्ट दे पाओगे आप, तो यू कैन डू दैट। तो हम देखते हैं एक बार क्वेश्चंस किस तरह के आ जाते हैं, हमारे स्पॉटिंग एरर की अगर हम बात करें, मैं आपको डरा रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ वो आप समझो, है ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किस तरह के सवाल आते हैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि सर ने आपको डरा दे, बिल्कुल भी नहीं, डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है, देखना है क्या क्या क्लासेस में आता है, तो एक बार देख लेते हैं सवाल किस तरह का बनता है स्पॉटिंग द एरर के अंदर, उसको समझते हैं, उसके बाद टॉपिक पर एज यूजुअल आ जाते हैं, तो टॉपिक पर आने के लिए थोड़ा सा तरीका तो रखना पड़ेगा, गॉट इट। तो ये चीज़ें थे, आई वॉन्टेड अ वाइफ एंड अ चिल्ड्रन बट आई डिडेंट वॉन्ट टू रिस्क लूजिंग देम बिकॉज ऑफ द रैंच नो एरर, ठीक है ना, तो यू हैव अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप देख रहे हो यू वॉन्टेड अ वाइफ, तो ठीक है एक वाइफ हो सकती है, एंड अ चिल्ड्रन कैसे होगा, एक आर्टिकल लगता है तो अ लगेगा तो सिंगुलर के साथ में लगेगा, ठीक है ना, और अ चिल्ड्रन कैसे होगा, यू अगर आपको एक पत्नी चाहिए तो आपको एक बच्चा चाहिए फिर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरर जो आता है वो पार्ट वन में ही दिख जाता है, तो यू हैव टू स्पॉट एरर्स लाइक दिस, सेंटेंस को पढ़ना, नाउन बेस्ड की बात करो, अभी ये मैं नहीं कह रहा कि और भी, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि स्पॉटिंग द एरर इस पर नाउन लिख दिया, नो नॉट 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 लाइक दैट, तो यू हैव टू स्पॉट द एरर अकॉर्डिंग टू इट, तो यू हैव टू लर्न अबाउट द टॉपिक, यू हैव द नॉलेज अबाउट द टॉपिक, आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ना होगी तो बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इन बातों को ध्यान रखो खासकर, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हमें परेशान करती हैं, बड़े मुश्किल में डाल देती हैं, तो बिल्कुल मुश्किल में जाना नहीं है, तो पढ़ना है ध्यान से, उसके बारे में ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ लगेगी, और उसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे करनी है, गॉट इट। तो इस तरह के सवाल, किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ, बाद में प्रैक्टिसेस तो होएगी, हम लोगों ने आपको ऐड में बताया भी था, समझाया भी था कि क्या क्या चीज़ें करवाएंगे, है ना, मैराथन्स भी होती है, मॉक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, करवाए जाना है, तो बिल्कुल वो सब चीज़ें होंगी, वो जब आएगा समय, जब
कोर्स हम कर लेंगे तो उससे पहले पहले हम समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें आती है, वरना बाद में हो जाता है कि किस तरह के सवाल बनेंगे सर। सबसे पहली बात यही आती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि किस तरह के सवाल बन पाते हैं। स्पॉटिंग एरर आप कह रहे हो कि कैसे एरर करें, तो पहले सवाल तो बताओ, तब तो हम तैयारी करें। सवाल ये इस तरह का है, आपके सामने है, तो इस तरह की तैयारी भी आपको करनी शुरू कर देनी है। गॉट इट? तो डोंट टेक टेंशन। एंड कस्टम इज सेकेंड क्वेश्चन एक और देख रहे थे, दो तीन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, आगे हम बढ़ेंगे जानेंगे और उस टॉपिक के बारे में। तो पहले टॉपिक को समझ लेते हैं किस तरह का टॉपिक है, किस तरह के सवाल आ जाते हैं, देन विल कम ऑन अ टॉपिक। तो कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, नो एरर। तो आप कह रहे कस्टम पे किया जाता है ना, आप कर टैक्स देते हो एक तरह का। तो क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ कुछ जो नाउन्स होते हैं ना, उनके आगे क्या हो जाता है कि एस लगता है, नहीं लगता है, सिंगल प्लूरल के भी कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर हम उसको प्लूरल फॉर्म में लगाते हैं और उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कस्टम होता है, ये हो जाती है रीति रिवाज, है ना। तो यार रीति रिवाज की तो बात नहीं, रीति रिवाज तो पे नहीं होता, ये होना चाहिए कस्टम्स, है ना, ये हो जाता कर टैक्स, ठीक है ना। तो ये चीजें को ध्यान रखना है, जैसे कि हम बात करते हैं वुड और वुड्स की, ठीक है ना, वाटर वाटर्स की, ठीक है ना, ये चीजों का ध्यान रखना है हमको। जैसे वुड और वुड्स की बात कर रहे हैं हम, तो वुड लकड़ी, वुड्स यानी कि जंगल, ठीक है ना, वाटर नॉर्मल पानी, वाटर यानी कि ओशन, लार्ज वाटर बॉडीज। तो ये इस तरह के वर्ड्स हो जाते हैं जो हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, नाउन को नाउन बेस पे कह रहे हैं। तो इन वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का वर्ड आया। हमने देखा हाँ कस्टम स्पेड, ठीक है, सही तो लिखा है, कस्टम से उसका प्लूरल हो जाता होगा, नहीं, उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है वो जानना बहुत जरूरी है, देन ओनली वी कैन अप्लाई इट। एंड इफ वी नो इट, हम जब जानेंगे तभी हम स्पॉट कर पाएंगे एरर को, और उस डिटेक्ट करने के बाद में वी कैन, है ना, उसके उसका आंसर सही दे पाएंगे, वरना हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग, हुआ और गया नंबर, है ना। तो वो नहीं करना, वो हम हमारे हाथ में कि हाउ टू, है ना, फेच द मार्क्स, कैसे लेने मार्क्स को, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो इन इन दिस प्रोसेस वी लर्न ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्या सवाल है, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। नाउ एक और क्वेश्चन लेके आऊँ, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटिफुल, लुक एट, नो एरर, क्या होगा, ठीक है ना। क्या हो सकता है इसके अंदर, इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग इस सेंटेंस के अंदर, कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, है ना, अरे सिस्टर इन लॉज, ठीक है ना, पढ़ा है, सिस्टर इन लॉज होता है क्या, नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, है ना, प्लूरल जो बनेगा वो बेसिक वर्ड का बनेगा, ये चीजों का ध्यान रखना। तो हम स्पॉट कर देंगे कि यहां पे एरर आ रहा है, इसको स्पॉट कर लिया और इसको हमने समाधान भी कर लिया। तो ये अभी सिर्फ एक हिंट है, अभी सिर्फ आप करोगे सर आपने पढ़ लिया और अपना आप आंसर दे दिया, ये आपको बता रहा हूँ कि सवाल कैसा बनेगा, कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो नाउन को जब जान रहे हैं तो नाउन को पूरे स्ट्रक्चर वाइज जानना पड़ेगा। अभी हम जानेंगे कैसे जानेंगे, पहले डेफिनेशन थोड़े बहुत बता दूँ, फिर देन वील कम टू नो हाउ टू, है ना, लर्न इट एंड हाउ टू रिमेंबर इट द स्ट्रक्चर। तो पहली बात जो मैंने बताई थी वो बताई थी आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बताई थी। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है डूअर, है ना, जो काम करने वाला हो सेंटेंस के अंदर। वी हैव टू नो हु इज द डूअर एंड हाउ मेनी, है ना, डूअर, ये चीज ध्यान रखनी है, करता, काम कर कौन रहा है, यू हैव टू नो इट, एल्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, वो हो जाता है। एंड सब्जेक्ट क्या होता है, एक तो नाउन होगा, संज्ञा होगा, एक प्रोनाउन सर्वनाम होगा, ठीक है ना। तो वही हो सकता है काम करने वाला, द बॉय इज प्लेइंग, तो हु इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात हो रही है, तो फिर अब अगर सिंगुलर है ना, अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, और प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो प्लूरल ही आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। हाउ, बॉय इज प्लेइंग, अब एक ही लड़का खेल रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा इसके साथ साथ में, ठीक है ना, और अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो हमारा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब ही यूज किया जाएगा। तो यू हैव टू नो दिस, ये चीज ध्यान रखना। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना चाहिए, लास्ट में अगर अगर हम कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया फुटबॉल खेल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, गॉट इट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस बारे में हमें जानना है। एंड ऑब्जेक्ट क्या, वापस से नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना, ये चीजों का ध्यान रखिए,
ये चीज़ों का याद रखना है. हाई वन व्यूअर हु इज देयर ऑन दी अदर साइड, प्लीज से हेलो हाय, जय हिंद कर लो भैया, आप भाईना जो भी आप लोग हो साइड में उस तरफ में, हाउ वुड आई नो, मेरे को कैसे पता लगेगा. तो प्लीज़ बी देयर, है ना, प्लीज़ बी वोकल एंड प्लीज से एटलीस्ट गिव द सैल्यूटेशन सो दैट आई विल बी एबल टू नो, मुझे पता लगे कौन है उस तरफ में, ठीक है ना. एंड इफ यू आर देयर प्लीज लाइक द क्लास, क्लास को लाइक भी कर दो साथ साथ, बिकॉज एक लाइक हो रखा है शायद मेरे ख्याल से विशाल ने किया होगा, कोई और भी अगर आ रखा है तो प्लीज़ लाइक इट, ये जरूरी हो जाता है क्लास के अंदर, ठीक है ना. तो सैल्यूटेशन, लाइकिंग द क्लास इज मस्ट, जिससे क्या होता है आपकी एनर्जी बनी रहती है, हमारी भी एनर्जी बनी रहेगी, गॉट इट. तो ये चीज़ों को नहीं करना बिल्कुल. हाँ, क्या करना है, सैल्यूटेशन 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 भैया, दुआ सलाम तो हर कोई करता है, अगर आ रखे हो तो प्लीज़ कर दो, ठीक है ना. तो पता लगे, मुझे भी सामने वाला कोई बंदा मिलेगा तो मैं बात कर पाऊंगा मज़े से, बता पाऊंगा कि हाँ तुम्हें पूछना क्या है, जानना क्या है, ठीक है ना. तो अच्छा रहता है. तो यू हैव टू नो दिस, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है उसके अंदर. डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ते हैं, हाँ यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, यू नो, आंखें बंद करोगे तो भी आपको पता है नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, ये बहुत बचपन से याद करवाते तुम लोगों को, तो वही है. तो डेफिनेशन में इतना घुसो मत, आप जानो उसको बारे में. एंड टाइप्स जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप्स के अंदर ही मेन बात आ जाती है, ठीक है. तो टाइप्स की जब बात आती है तो आप यू रिमेंबर नाउन एंड इट्स टाइप लाइक अ ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, है ना. तो एक पहले ट्री को जान लो कि ट्री इज, वॉट इज ट्री, पेड़ है, पेड़ के आगे तना है, तना इज द मेन, मेन इज क्या हो जाता है, नाउन हो गया. नाउन के एक जो पार्ट है दैट इज काउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन सकते हो, गिन गिन किन चीज़ों को सकते हो, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, यू हैव टू नो इट, है ना. अब एक मोटे तौर पे जानकारी रख लो. द अदर ब्रांच व्हाट इट सेज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल, ये चीज़ हो जाती है. देन जेंडर्स, जेंडर्स में आपको क्या क्या मिल जाते हैं, क्या क्या होते हैं, मैस्कुलिन जो मेल के बारे में बताएगा, फेमिनिन जो फीमेल्स के बारे में बताएगा, कॉमन जेंडर्स, कॉमन जेंडर्स हो जाते हैं जो आप कॉमनली यूज करते हो, जैसे लाइक टीचर. अब टीचर कैन बी अ मेल और अ फीमेल, डॉक्टर, स्टूडेंट, है ना, कजन, सर्वेंट, तो ये सब क्या होते हैं, कॉमन जेंडर्स में आते हैं, यू कैन यूज इट, है ना, एज पर कन्वीनियंस. तो आप यूज करते हो उसके लिए कि वो मेल है फीमेल है, उसमें फिर जरूरत नहीं आता, यू कैन से दैट, है ना, कि वो सर है मैम है, जैसे आप यूज करते हो. एंड लास्ट कम्स क्या हो जाता है, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बाई लाइक दिस पेन इज नॉट, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, तो वी कैन यूज इट अकॉर्डिंगली, हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए, तो इट यूज करते हैं हम लोग अक्सर चीज़ों के लिए. तो क्या यूज करना है वो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है. एंड उसके बाद में आ जाता है नंबर्स, नंबर्स तो आपको ध्यान ही है, एक दो तीन चार, वो नहीं, सिंगुलर एंड प्लूरल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. चीज़ एक एक वचन में, बहुवचन में, जिसके बारे में हमने बात करी अभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर, कि वी हैव टू नो द नाउन और अ प्रोनाउन इज इन अ सिंगुलर स्टेट और इन अ प्लूरल स्टेट, देन ओनली वी कैन अप्लाई इट अकॉर्डिंगली. तो उसी के अनुसार हम उसको अप्लाई भी करेंगे, ये चीज़ें जाननी बहुत जरूरी हो जाती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केसेस, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. केस के अंदर आपको जानना पड़ता है सब्जेक्टिव केस, जो अभी हमने बात करी स्टार्टिंग में, हमने बात करी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, की जो नाउन है वो किस किस स्टेट के अंदर है, एज अ सब्जेक्ट आ रहा है कि एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, या एज पजेसिव आ रहा है, पजेसिव आप पढ़ते हो, ठीक है ना. टीचर्स पेन, तो ये पेन किसका है, पजेशन दिखा रहा है, हूज पजेशन, इस पे किसका पजेशन है, मेरा पजेशन है, टीचर का पजेशन है, सो दैट्स व्हाई वी यूज पजेसिव केस, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफे एस जिसके साथ यूज करते हैं, तो वो सब भी आएगा. ये सारे के सारे चीजें हम पढ़ रहे हैं, जानेंगे विथ नॉट स्कूल वाला स्टाइल में, थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पर तो एक निचोड़ जान लेंगे, उसके बाद हाउ टू यूज इट, हाउ टू अप्लाई इट, जो मेन मेन बातें जाननी वो जरूरी हो जाती, जानने की बातें. हर चीज़ जानते रहोगे, पढ़ते रहोगे, जो पुरानी चीज़ें तो नहीं होगा, बस ये स्टार्ट याद रहे आपको, एक बार वापस से पुरानी बातें जो आपने पढ़ी होंगी वो सब याद आ जाए, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना. तो काउंटेबल्स में एज यूजुअल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. प्रॉपर नाउन देखो पढ़ चुके हो, याद होगा, फिर भी बता दूं कि अगर आप आंख बंद करके किसी को याद कर सकते हो, अगर मैं कह दूं आपके सामने नाम ले लूं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ठीक है ना, हाँ, जो बड़े बड़े नाम ले लिए अगर मैंने किसी के भी, जयपुर, न्यूयॉर्क, ठीक है ना, स्पेसिफिकली अगर किसी के लिए हम बात कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन की बात हो जाती है कि ठीक है हमने किसी स्पेसिफिक इंसान की बात करी तो हम उसके लिए यूज करते हैं. और फिर आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन तो फॉर एनी एनी, है ना, किसी भी कैटेगरी को केटर करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं. अब बॉय बोल दिया तो एनी बॉय, है ना, काओ, एनी काओ, एनी एनिमल, ठीक है ना, एनी पेन, तो है ना, कोई एनी टीचर, एनी स्टूडेंट, तो कोई भी हो सकता है, तो वी कंसिडर इट एज कॉमन नाउन. देन कम द कलेक्टिव नाउन. तब हमें कलेक्टिव नाउन पढ़ना पड़ता है. कलेक्टिव नाउन को लेकर भी मोस्टली क्वेश्चन का आ जाता है कि यू हैव टू डिटेक्ट द प्रॉपर कलेक्टिव नाउन. अगर आपके पास में आ गया डैश, है ना, ऑफ थीव्स, अब आप क्या लगाओगे,
गैंग ऑफ थीव्स, पैक ऑफ थीव्स, है ना। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज, आपको बहुत उसके वर्ड के बारे में पर्टिकुलर होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। एल्स अगर आपने गड़बड़ करी या स्पॉटिंग एरर में समझ ना पाए तो गड़बड़ा गए कलेक्टिव नाउन्स को लेकर, तो प्रैक्टिस इट एंड लर्न इट मोर, है ना। तो कलेक्टिव नाउन्स मोस्टली प्रैक्टिस और लर्निंग के साथ में ज्यादा आ पाएगा, तो वो चीज़ों को जानकारी रखो, ठीक है ना। देन ओनली यू कैन डू इट, इस बारे में आपको जानकारी और पता होना चाहिए, ठीक है ना। बार बार यही रिपीट करूंगा, बार बार यही चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या करना है उसके बारे में। चलो और जानते हैं किसके बारे में, अनकाउंटेबल्स के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, है ना। तो अब कई सारी चीज़ें होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन फील इट, है ना, आप जिसको महसूस कर सकते हो विद नॉट, है ना, जो आपकी ये सेंसरी आपको दे रखा है उससे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई ही इज़ हैप्पी, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा हैप्पी स्टे, बीइंग हैप्पी या उसकी हैप्पीनेस की स्टेट क्या होती है, सैडनेस, चाइल्डहुड, है ना, यंग, ओल्ड, तो ये बातें हो रही, रिच, पुअर, तो ये हम जो वर्ड जो ये यूज़ कर रहे हैं सब एब्स्ट्रैक्ट है, भी हम इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो आ जाते हैं किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। देन कम्स मटीरियल नाउन, कोई किसी चीज़ से बना हुआ है, ठीक है ना, क्या पेन किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, ठीक है ना, और ग्लास है, ग्लास बना हुआ है, ठीक है ना, कांच हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है ना, दे कम्स अंडर मटीरियल नाउन, इसके अंदर में आ जाते हैं। एंड हम क्या होते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते, तभी तो अनकाउंटेबल है। आप काउंट कर सकते हो कि भाई मैं 5 खुश हूँ, तो 5 गुना खुश हो सकते हो, है ना, या आप उसको मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर इट, ठीक है ना। तो वुड है, बात आ जाती है लकड़ी की, तो अब लकड़ी को क्या कर सकते हो, यू कैन काउंट कर सकते हो, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें कर सकते हो, है ना। जैसे अगर हो गया कि मिल्क को करना है, तो आप क्या करोगे, लीटर्स में करोगे, केजीज में करते हैं कई लोग, तो करते ही हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में है तो हाउ यू, आप कैसे करोगे कि 5 कप ऑफ, है ना, मिल्क, तो आप 5 कप बना सकते हो, ये चीज़ों का ध्यान रखना। बट मिल्क अपने आप में आप काउंट नहीं कर सकते, ऑयल, वाटर, पेट्रोल, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जानकारी रखनी है, क्योंकि कभी कभी स्पॉटिंग दी एरर में इस तरह की चीज़ें आ जाती है, कॉमन सी कॉमन बात भी कभी कभी, और हम उसको स्किप कर जाते हैं, ओ ना ओवर स्मार्टनेस समटाइम्स। तो वो चीज़ों का बड़ा बड़ा बहुत बारीकी से ध्यान रखो, कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में तैयारी, उन तैयारी को बिल्कुल सुनिश्चित रखो, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करो, बिंदास होकर तैयारी करो, ठीक है, गॉट इट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि बात आ जाती है कलेक्टिव नाउन्स की। बाकी नाउन तो आप लोगों ने पढ़ लिए, जान लिए, तो कोई स्कूली लेवल का तो चीज़ आएगी नहीं, जो जिस लेवल की आएगी उस लेवल को हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो देख लेते हैं इस बारे में, ठीक है ना। सो हर्ड, हर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, काउज, बफलोज, कैटल, क्रेन्स, डियर, डोंकीज, है ना, एलिफेंट्स, गोट्स, हॉर्सेज, ऑक्सन, पिग्स, सील, स्वान्स, वेल, याक, ज़ेब्रास, तो यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को तो अच्छे से पता होगा सब जानवरों के बारे में, है ना, कि कस का क्या क्या रहता है, तो यू आर मोर, है ना, नॉलेजेबल। येस, हु इज देयर ऑन द अदर साइड, हाई वन व्यूअर, कौन है अभी व्यूअर में, प्लीज़ कम, आ जाओ, जय हिंद कर लो, सीरियस एंड आफकैट, वल्ला सर, सीरियस फाउंडेशन कोर्स प्लीज़, 2024 बेटा, क्या अंग्रेजी लिखी, थोड़े ढंग की अंग्रेजी लिख दे बेटा, हाउ वुड आई नो, येस वी हैव स्टार्टेड आर कोर्सेज बेटा, अभी जस्ट क्लास एक हुई होगी या चल रही होगी, जस्ट सी, जस्ट, हाँ, जस्ट लुक एट देयर, देखो वहाँ पर क्लासेज आर देयर, येस वी हैव स्टार्टेड आवर कोर्सेज बेटा। आपको अगर अंग्रेजी नहीं लिखनी आ रही तो प्लीज़ आप उसको हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी, जो व्हाट्सएप लैंग्वेज वी यूज़ ना, सो प्लीज़ अप्लाई दैट, दैट इज़ ऑल्सो गुड, एंड लाइक कर दे भैया, सी डी एस एफकैट, हाउ वुड आई नो हु इज़ देयर ऑन द अदर साइड, प्लीज़ नाम के साथ तो आ जा, हाँ हेलो तो कर ले कि सर आई एम दिस 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 पर्सन एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड लाइक द क्लास, डू दिस थिंग, है ना। तो दीज आर द असेंशियल थिंग्स, ये तो ज़रूरत की चीज़ें हो जाती, ज़रूरत की बातें हो जाती, तो हाउ यू फॉरगेट दीज थिंग्स, है ना। तो बिल्कुल भी थोड़ा सा तो हो, ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशंस, बार बार रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना, तो डू दिस थिंग। पैक, पैक किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डॉग्स के लिए, गर्ल्स के लिए, हाउंड्स, मॉन्गूसेस, म्यूल्स, रैट्स, शार्क्स, वुल्स, ठीक है ना। तो वी यूज़ पैक वर्ड फॉर दिस थिंग, चोरों के लिए भी हम पैक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, थीव्स के लिए, गैंग भी वर्ड होता है उनके लिए, कभी कभी क्वेश्चन में आता है अक्सर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, डॉग्स, गर्ल्स, हाउंड्स, मॉन्गूसेस, म्यूल्स, रैट्स, शार्क्स, वुल्स एक्सेट्रा। देन फ्लॉक, फ्लॉक फॉर बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, उड़ रही है, ठीक है ना। तो वी यूज, तो बर्ड्स, बस्टर्ड्स, बस्टर्ड्स तो आपको ध्यान होगा, बस्टर्ड कौन होती है, इफ यू नो अबाउट राजस्थान, तो यहाँ पर पक्षी होता है गोडावण, ठीक है ना, तो उसके लिए बस्टर्ड यूज करते हैं। कैमल्स, चिकन्स, डक्स, गीज, गोट्स, पैरट्स, पीजन, सीगल्स, शीप, टोरिस्ट,
और टर्कीज, टर्कीज भी यू नो अबाउट हेंस, टोरस टूरिस्ट के लिए ये वर्ड यूज़ कर लेना है ना, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए. बेटा नेवला, नेवला मंगूस का मतलब नेवला होता है, नेवला देखे नेवला, सांप को, सांप और नेवले की लड़ाई होती है, ठीक है ना. एंड बेटा मैंने तुमसे एक सवाल किया था बेटा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ मेंशन करो तो मैं भी एटलीस्ट उस नाम से हाय हेलो कर सकूँ कि हेलो हाय हाउ आर यू, ठीक है ना, तो मेरे को भी एक मौका मिले हाय हेलो करने का, जानूँ मैं भी इतने अच्छा, दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू नो मोर पीपल, है ना. तो यू शुड बी देयर, आप भी हमको जानो, हम भी आपको जाने देन ओनली. तो आप 10 लोगों को कि येस प्लीज़ है ना ज्वाइन द क्लास, आओ क्लास के अंदर तो बड़ा अच्छा लगेगा. गॉट इट, तो डू दिस थिंग. हाँ वाह वाह, हाउ वुड आई नो कि कौन है दूसरी साइड में. हाँ सी डी एस नाकट वल्ला. हाँ मोनजीत ढाकल सर आसाम से, हाय कैसे हो बेटा मोनजीत, बहुत ही मनजीत थोड़ा सा पंजाबी टच नेम है ना मोनजीत, मनजीत तो पंजाबी इसका नाम होता है, आसाम में, आसाम में चला गया कि कोई पंजाबी हमारा भाई मोनजीत. हाय मोनजीत, वेलकम टू शौर्य भारत, वेलकम टू अर क्लास बेटा. देखो अब अच्छा लग रहा है, तो एटलीस्ट आई एम एटलीस्ट है ना मैं आपको सैल्यूट कर सकता रहा हूँ आपके नाम से, ठीक है ना, वेरी गुड. एंड लाइक कर दो बेटा क्लास को, है ना, क्लास में आ रखे हो तो सैल्यूटेशंस, आपका नाम बताया जाना और लाइक करना, इट्स मस्ट, कर लिया करो बिना कहे, बिल्कुल मज़ा आ जाता है उसके साथ साथ में करने में, ठीक है ना. यस एंड हाय बेटा मोनजीत, आई एम हर्ष एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, ठीक है ना. तो इस तरह से हाँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हमेशा इंट्रोड्यूस किया करो तो अच्छा लगता है सामने वाले को. गॉट इट. हाँ गिव अ थम्स अप मोनजीत, गिव अ थम्स अप, तो थोड़ा एक्टिविटी रहती है क्लास में. विशाल इफ यू आर देयर इन माय क्लास, अगर आप मेरी क्लास में हो विशाल, तो गिव अ थम्स अप, थम्स अप दो बेटा, ठीक है ना. दैट्स मोनजीत. सो वी यूज टॉरस, टर्की पता लग गया, वॉट इज टर्की, टर्की पता लग गया, कौन है टर्की. हाँ यूर गोरखा, ओके. बेटा वो मुझे पता है, मैं तो कह रहा हूँ मोस्टली जो नाम मैंने सुना है ना, मनजीत सुना है, वो मैंने पंजाबी का सुना है, तो मोनजीत मेरे को लग रहा है कि उसका एक है ना एक नया वर्जन है. ओके यस गोरखा रेजिमेंट, वेरी गुड, मजबूत, अपनी है ना शान के लिए पहचाने वाले, पहचान जाने वाले, राजस्थान से तो राजपूताना होते ही हैं, ठीक है ना, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट. यस एंड सेकंड, हु इज द सेकंड वन, हु इज द सेकंड व्यूवर. भैया जो भी दूसरा व्यूवर है प्लीज़ आ जा क्लास में, एटलीस्ट हाय हेलो कर ले. देखो हमारे मोनजीत है हमारी क्लास में, ही सेइंग हाय एलन हेलो, सो प्लीज़ बी देयर, डू दिस थिंग. एंड स्वाम, स्वाम होता है मुझे छोटे कीड़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्वाम को, लाइक स्वाम ऑफ एंट, स्वाम ऑफ बीज, स्वाम ऑफ बटरफ्लाइज, ईल्स, फ्लाइज, इंसेक्ट्स, रैट्स, ठीक है ना. तो बड़ा सारा एक झुंड आता है एक साथ में, यू नो बड़ा सारा झुंड आएगा, चींटियों का होता है, क्या कहते हैं ना मधुमक्खियों को होता है, बटरफ्लाइज को होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वॉर्म. क्या बोलेंगे, स्वॉर्म यूज करते हैं वर्ड हम, स्वॉर्म. गॉट इट. और शॉल, शॉल और स्कूल अक्सर यूज करते हैं फिशेज के लिए यूज करते हैं, फिशेज इसलिए बोलो कि फिश वर्ड अपने आप में प्लूरल होता है. एक बात बता दूं अभी हम पढ़ेंगे, तो फिश अपने आप में वर्ड प्लूरल है, फिश का प्लूरल भी फिश ही रहता है, नो डाउट. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट वेराइटीज है ना, जब बहुत वेराइटीज की बात करते हैं देन वी कैन यूज द वर्ड फिशेस, ठीक है ना. तो ये चीज कर सकते हैं, तो फिश, हेरिंग्स, प्लेकार्ड, सालमन, ये सब टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फिशेज है ना, फिश की वेराइटीज है ये, हेरिंग्स, प्लेकार्ड और सालमन. तो कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर कि क्या कौन कौन से वर्ड आ गए, कौन से जानवर आ गए. ना ना ना, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कौन कौन से जानवरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये उसके बारे में जान लो. आइलैंड्स की बात होती है तो ग्रुप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ डांसर है ना, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप वर्ड. गैंग, गैंग समझ लो बदमाशी, ठीक है ना. लेबरर्स, गैंग ऑफ लेबरर्स, गैंग ऑफ स्लेव्स, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ क्रूक्स, गैंग ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है ना. तो ये वी यूज द वर्ड गैंग फॉर दीज, दीज हाँ दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज. गॉट इट. यस अब नाउन एंड नंबर्स में जान लेते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो वी हैव टू नो अबाउट द नाउन एंड नंबर्स. नाउन एंड नंबर्स में हमारी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना हमको, ठीक है ना. तो वो बातें कौन कौन सी आ जाती है, एज यूजुअल सिंगुलर प्लूरल सर की कौन सी आती है, सीधी बात है सिंगुलर प्लूरल, यानी कि एक कोई नाउन होगा वो या तो एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा, एक होगा, है ना. जैसे हमने कहा बॉय, प्लूरल बॉयज, मैन, मैन, तो ये जो बेसिक बातें, तो वो तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हियर,
है ना, वो बेसिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि माउस का माइस कर दिया, ऑक्स का ऑक्सन कर दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रन कर लिया, नो। तो है ना, वी नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर क्लासेस, हम लोग स्कूल क्लासेस की तैयारी नहीं कर रहे जिसमें मुझे एक एक चीज़ को बताना पड़े कि एस जोड़ दो, ये जोड़ दो, नो नो नो। तो डू इट, डू दैट अपने आप से कर लेना, स्टडी मटेरियल भी आप लोग को मिल जाएगा, डू दैट है ना फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ऑल। बट मेन बातें क्या ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, जो हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो किन किन बातों के बारे में जानना है हमको, आओ। तो कुछ रूल्स होते हैं। अब जैसे कोई प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, इसके अक्सर प्लूरल्स नहीं बनते हैं, हमने देखा था, क्योंकि मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट क्या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ रहा है। जब अनकाउंटेबल है तो उसको प्लूरल बनाएंगे कैसे, ठीक है ना, ये बड़ा सवाल हो जाता है। तो उसको बनाने का भी तरीका है, वो हम जान लेते हैं। वो तरीका कैसा है किसको बनाने का, प्रॉपर नाउन को, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चेंज करना हमें किसमें करना है, हमें प्लूरल्स के अंदर करना है। और उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, उसको हम कॉमन नाउन की तरह यूसेज में लाएंगे। कॉमन नाउन हमने देखा था, कोई भी एक जनरल कैटेगरी के लिए जब हम एक वर्ड यूज करते हैं तो हम उसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो करना है। एंड सेकेंड, व्यूअर हु इज देयर प्लीज से कम एंड से हाय हेलो, कोई तो बोलो आकर यहाँ पर हाय हेलो। हाँ, वी हैव दिस मोनजीत, मोनजीत को भी एक फ्रेंड मिल जाएगा एटलीस्ट कि हाँ यस माई फ्रेंड इज देयर, समवन इज देयर इन माई, समवन इज देयर विथ हिम, है ना। तो उसको लग जाएगा, एंड इवन मी टू, गॉट इट, यस। इफ यू देर इन द क्लास गिव द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आर मस्ट, सो डू दिस थिंग। एंड हाउ टू मेक इट, है ना, प्रॉपर को कैसे यूज करेंगे। तो अक्सर आप देखते हो कि हम किसी को किसी के साथ में कंपेयर करते हैं, क्लास के अंदर कंपेयर करते ही हैं कि कोई झगड़ा कर रहा है तो व्हाट वी से, अरे तू तो बड़ा मंगल पांडे हुआ है, तू तो बड़े लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं उसकी ट्रेट्स को लेकर, ट्रेट यानी कि जो उसकी हैबिट्स है, जो उसका नेचर है, उस पर टारगेट करते हैं किसी एक प्रॉपर नाउन के साथ में यूसेज लेकर। लाइक व्हेन प्रॉपर नाउन, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज यूज फॉर द कॉमन ट्रेट, उस प्रॉपर आदत के लिए, किसी इंसान की आदत के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, वो कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। लाइक ही इज द न्यूटन ऑफ आर क्लास, अब वो कोई आइंस्टाइन न्यूटन तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, न्यूटन के ट्रेट्स हैं, न्यूटन की आदतें, ठीक है ना। ही इज द कालिदास ऑफ आर क्लास, वो हमारी क्लास का कालिदास, यानी कि ही राइट्स मच गुड, है ना। इज रविन्द्रनाथ टैगोर ऑफ आर क्लास, है ना, इज गांधी ऑफ आर क्लास। तो हम वी यूज द प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन किसी के ट्रेट्स को बताने के लिए, तो हम उसको चेंज कर देते हैं, गॉट इट। तो दिस, ये हम चेंज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में, एंड वी उसको काउंटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं। देन दो और क्या हम यूज करते हैं यहाँ पे, हम जो यूज करें न्यूटन का, हमने क्या करा, उसके साइंटिस्ट का नाम है जो अपने आप में एक प्रॉपर है, लेकिन हमने उसके क्या करा, सारे के सारे कैरेक्टर ट्रेट्स को यूज करा यहाँ पर एक व्यक्ति को बताने के लिए कि वह है, तो उसमें कैसे ट्रेट्स, उसमें कैसी आदतें, उसमें कैसा नेचर है, उसमें न्यूटन जैसी आदतें, न्यूटन जैसा उसका नेचर है। लाइक एक और एग्जाम्पल देते हैं, इजिप्ट इज अ कंट्री इन अफ्रीका। तो वी नो इजिप्ट क्या है अपने आप में, इजिप्ट अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, बट हाउ वी यूज इट एज अ कॉमन नाउन, कैसे कर सकते हैं। मैनी इजिप्ट कुड बी कंटेन इन इंडिया, यानी कि इंडिया इज सच अ लार्ज कंट्री कि बहुत सारे इजिप्ट उसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे यूज कर रहे हैं इजिप्ट को, नॉट एज अ प्रॉपर नाउन, अब हम प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं कर रहे, कॉमन की तरह कर रहे हैं कि बहुत से इजिप्ट इसमें आ सकते हैं, गॉट इट। तो वी यूज इट लाइक दैट, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। फिर मटेरियल नाउन को कैसे करना है, मटेरियल नाउन बिकम्स कॉमन नाउन इफ देयर इज एन आर्टिकल, क्या जोड़ना है, एक आर्टिकल जोड़ना है नाउन के आगे प्लूरल बनाने के लिए। बॉय, बॉय प्लेज ऑन द सैंड, सैंड यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कर रहे, हमने क्या लगाया, द आर्टिकल लगा दिया, गॉट इट। बॉयज कासल इज मेड ऑफ सैंड, अब यहां पे सैंड क्या है, मटेरियल के तौर यूज हो रही है कि मिट्टी से बनाया कासल, यानी कि महल जो बनाया बच्चे ने, मिट्टी से महल बनाया, तो किससे बनाया, प्रोसेस किससे आया, मटेरियल से, किसी चीज से कोई चीज बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन, ठीक है ना। तो मटेरियल से बना, और यहां पे हमने क्या करा, द बॉयज प्लेज ऑन द सैंड, वो मिट्टी पर खेल रहा, कोई भी मिट्टी हो सकती है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि लाल मिट्टी भी खेल रहा है, उस मिट्टी भी खेल रहा है, समुद्र की मिट्टी भी खेल रहा है, कोई भी मिट्टी हो सकती है। तो हमने आर्टिकल जोड़कर क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया मटेरियल को, है ना। और आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा जो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, आर्टिकल्स थ्री, एक तो दो डेफिनेट इनडेफिनेट की, ठीक है ना। तो डेफिनेट में आ जाता है द आर्टिकल, ठीक है, और इनडेफिनेट में आ जाता है ए और एन का यूसेज होता है, गॉट इट। तो ये चीजों का ध्यान रखो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो जाती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस इज अ पार्ट ऑफ इस कैरेक्टर, तो काइंडनेस क्या हो गया, दया, दयालुता, है ना, उसके क्या है, उसका पार्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दयालु, तो हमने देखा नहीं, सिर्फ महसूस करा कि हाँ वो बहुत दयालु व्यक्ति है, ठीक है ना, दयालु है वो। लेकिन ही डिड मैनी काइंडनेसेस,
उसने बहुत से दयालुता के कार्य किए हैं, तो कोई एक काम तो नहीं किया, बहुत सारे काम करे उसने भाई। उसने स्कूल खुलवाया होगा, हॉस्पिटल खुलवाए होंगे, बेड दान दिए होंगे, लोगों की हेल्प करी होगी, तो बहुत सारे उसने दयालुता के काम करे। तो वी यूज इट लाइक दैट ओनली, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमारा, अभी आज का टॉपिक हमारा हो गया, थोड़ा सा रिविजन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी है। तो मेजरली आपको ध्यान रखना है, वोकैब पार्ट करो, याद करना शुरू कर दो अभी से। वोकैब के अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड डू प्रैक्टिस ऑफ जंबल सेंटेंसेज, वो भी हम करवाएंगे साथ साथ में। एंड सेकेंड चीज़ है स्पॉटिंग दी एरर, जिसके अंदर हम सारा ग्रामर को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, और उसमें खास खास बातें आएगी नाउन प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव वर्ब्स टेंसेस साथ साथ में, है ना, एडवर्ब्स प्रेपोजिशंस कंजंक्शंस आर्टिकल्स। तो दीज आर दी कोर थिंग्स, है ना, ये जरूरी बातें आ जाती है, इनके नियम जानेंगे, यूज करेंगे, देन ओनली वी कैन, है ना, हम अपने एग्जाम को पार कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। एंड वॉट वी हैव स्टार्टेड टूडे, वॉट वी हैव स्टार्टेड नाउन प्रोनाउन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से इसको याद रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताया, इफ अ सब्जेक्ट इज इन अ सिंगुलर स्टेट, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्लूरल स्टेट होगा तो प्लूरल ही आएगा, इस बारे में आप अच्छे से ध्यान रख लो इसके बारे में, ठीक है। और दूसरी बात क्या चीज़ ध्यान रखनी, नाउन जब हमने पढ़ा है तो नाउन लर्न इट एज अ ट्री, ट्री एंड इट्स ब्रांचेस पढ़ा हम लोगों ने, नाउन कोई भी चीज़ हो सकती है नाउन। एंड वन थिंग इज काउंटेबल प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल, ठीक है ना। देन वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट, नंबर्स सिंगुलर प्लूरल, ठीक है ना। देन जेंडर्स मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन एंड न्यूटर, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू है ना लर्न द बेसिक्स। तो जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्वेश्चन को लेकर, वो चीज़ों को लेकर। एंड केसेस, केसेज आ जाती है, जरूरी बात है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, तो लर्न इट अकॉर्डिंगली, ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो वी आर एंडिंग अ क्लास, है ना, विद दिस नोट ओनली, करो जीत की तैयारी अच्छे से, आराम से पढ़ो, डाउट्स हो तो बिल्कुल आप भेज सकते हो। एंड क्लास में रेगुलरली आइए, अपने डाउट्स को और प्रॉब्लम्स को बिल्कुल रखिए सामने, और हम लोग करेंगे आपके डाउट्स को सोल्यूशन करेंगे और तैयारी करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। एंड येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अच्छे से तैयारी करें एंड निकले, हम यही चाहते हैं, ये दुआएं हमारे आप लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।